हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी एनआईओएस की इंग्लिश सब्जेक्ट के 8th चैप्टर ए बर्थडे लेटर, इस चैप्टर की लाइन टू लाइन एक हिंदी लेकर आया हूं। ये है, हाउ डू यू फील व्हेन यू रिसीव अ गिफ्ट। जब आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो आपको कैसा महसूस होता है? यू ऑल फील हैप्पी एंड लव्ड व्हेन यू रिसीव अ गिफ्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स ऑन योर बर्थडे। जब आपको आपके मम्मी पापा से आपके जन्मदिन पर कोई गिफ्ट मिलता है तो आप बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा स्नेह महसूस करते हो। बट इफ द पेरेंट्स आर इन अनदर सिटी एंड सेंड अ लेटर इंस्टेड, पर क्या होगा अगर आपके मम्मी पापा किसी दूसरे शहर में हो और वो गिफ्ट के बदले एक लेटर भेज दें? ए लेटर ऑफ ब्लेसिंग इज मोर वैल्यूएबल देन अ गिफ्ट। आशीर्वाद से भरा हुआ जो लेटर है वो किसी भी गिफ्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल होता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये जो पत्र है, ये पत्र लिखा है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल जी नेहरू। इन 1930 इंडिया वाज नॉट फ्री। 1930 में भारत आजाद नहीं था। मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इम्प्रिजन्ड बाय द ब्रिटिश। हमारे देश के अधिकांश नेताओं को अंग्रेजों ने जेल में डाल रखा था। वाइल इन नैनी प्रिजन, पंडित जवाहरलाल नेहरू रोट दिस लेटर टू हिज डॉटर इंदिरा ऑन हर 30th बर्थडे। नैनी जेल से पंडित नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा जी के 13वें जन्मदिन पर यह पत्र लिखा था। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही रोट टू हर। चलो हम ये पता लगाते हैं कि उन्होंने इसमें क्या लिखा था, क्या बताया था। तो ये देखिए बच्चों, ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल जी नेहरू की फोटो है, जिन्हें हम चाचा नेहरू कहते हैं। लिखने की जगह है सेंट्रल प्रिजन नैनी, और लिखने वाली डेट है अक्टूबर 26, 1930। नैनी सेंट्रल जेल 26 अक्टूबर 1930। लेटर लिखा है, माई डियर इंदिरा, मेरी प्यारी इंदिरा, ऑन योर बर्थडे यू हैव बीन इन द हैबिट ऑफ रिसीविंग प्रेजेंट्स एंड गुड विशेस। आपके जन्मदिन पर आपको गिफ्ट, उपहार और गुड विशेस, शुभकामनाएं प्राप्त करने की आदत है। गुड विशेस यू विल स्टिल हैव इन फुल मेजर, बट वट प्रेजेंट कैन आई सेंड यू फ्रॉम नैनी प्रिजन। वो कहते हैं कि अब भी आपको भरपूर शुभकामनाएं मिली होंगी, आपको बहुत सारे लोगों ने आशीर्वाद दिया होगा, पर नैनी जेल से मैं आपको क्या उपहार भेज सकता हूं? माई प्रेजेंट्स कैन नॉट बी वेरी मेटीरियल और सॉलिड। मेरे जो उपहार हैं वो कोई मटेरियल, कोई चीज नहीं हो सकते हैं, कोई ठोस चीज नहीं हो सकते हैं। दे कैन बी ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट। वो तो मानसिक और आध्यात्मिक हो सकते हैं। थिंग्स दैट इवन द हाई वॉल्स ऑफ प्रिजन कैन नॉट स्टॉप। वैसी चीजें जिन्हें जेल की ऊंची ऊंची दीवारें भी रोक नहीं सकती है। यू नो स्वीट हार्ट हाउ आई डिसलाइक सरमनाइजिंग एंड डॉलिंग आउट गुड एडवाइस। सरमन का मतलब होता है प्रवचन, और डॉलिंग आउट का मतलब होता है देना। अब देखिए बच्चों, यहां से आपको अच्छी अच्छी वोकैबुलरी सीखने को मिलती है। आप तो जानती हो प्रिय कि मुझे प्रवचन देने और अच्छी नसीहत देने से कितनी ज्यादा नफरत है। आई हैव ऑलवेज थॉट दैट द बेस्ट वे टू फाइंड आउट वट इज राइट एंड वट इज नॉट राइट, वट शुड बी डन एंड वट शुड नॉट बी डन, इज नॉट बाई गिविंग अ सरमन बट बाई टॉकिंग एंड डिस्कसिंग, एंड आउट ऑफ डिस्कशन समटाइम ए लिटिल बिट ऑफ ट्रूथ कम्स आउट। मैंने हमेशा ये सोचा है
कि केवल प्रवचन देने से हम ये नहीं जान सकते कि क्या ठीक है और क्या गलत है और क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। आई हैव ये हमें कैसे पता चलता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें बातें करने से और डिस्कशन करने से, चर्चा करने से हमें पता चलता है। और डिस्कशन करने के बाद कई बार थोड़ी सी हमें सच्चाई भी सामने आ जाती है। I have liked my talks with you and we have discussed many things, but the world is wide and beyond our world, like other beautiful and mysterious worlds. वो ये कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ बातें करना अच्छा लगता है और हमने बहुत सारी बातों पर डिस्कशन चर्चा भी की है, पर ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया से भी आगे एक बहुत ही हैरान कर देने वाली रहस्यों से भरी दुनिया है। None of us need ever be bored or imagine that we have learned everything worth learning and become very wise. हम में से किसी को भी कभी बोर नहीं होना चाहिए और ना ही ये कल्पना करना चाहिए कि हमने जो कुछ सीखने लायक है वो सब कुछ सीख लिया है और हम बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। बट वट एम आई टू डू देन, पर मैं क्या करूं? अ लेटर कैन हार्डली टेक द प्लेस ऑफ अ टॉक, एट बेस्ट इट इज ए वन साइडेड अफेयर। Imagine that I have made a suggestion to you for you to think over as if we really were having a talk. जो मैंने आपको एक लेटर लिखा है तो लेटर तो बातचीत की जगह बहुत मुश्किल से ले सकता है क्योंकि ये तो एक वन साइडेड अफेयर है, मतलब एक तरफ की ही बात है। कल्पना करो कि मैंने तुम्हारे साथ विचार करने के लिए मैंने तुम्हें एक सजेशन दिया है, एक सुझाव दिया है। जैसे कि हम वास्तव में बातें कर रहे हैं तो वैसे हम वास्तव में बातें कर रहे हैं और मैंने तुम्हें एक सुझाव दिया है। इन हिस्ट्री वी रीड ऑफ ग्रेट पीरियड्स इन द लाइफ ऑफ नेशंस ऑफ ग्रेट मैन एंड वीमेन, एंड डू यू रिमेंबर हाउ फैसिनेटेड यू वर व्हेन यू फर्स्ट रीड द हिस्ट्री ऑफ जॉन द आर्क and how your ambitions was to be something like her। इतिहास में हम बड़े बड़े जो देश हैं उन देशों के अंदर जो बड़े बड़े महान पुरुष हैं या महान स्त्रियां हैं, हम उनके जीवन के बड़े बड़े महान पलों के बारे में पढ़ते हैं। और क्या तुम्हें याद है जिस समय पहली बार तुमने जीन डी आर्क की कहानी पढ़ी थी, तुम उस समय उससे कितनी ज्यादा अट्रैक्ट हो गई थी और तुम्हारे अंदर कुछ कुछ उस जैसी बनने की इच्छा जाग उठी थी। ऑर्डिनरी मेन एंड वीमेन आर नॉट यूजुअली हीरोइक। आम जो इंसान, औरतें और इंसान होते हैं वो ज्यादातर ऐसे बहादुर नहीं, ऐसे हीरोइक, ऐसे पराक्रमी नहीं हुआ करते। दे थिंक ऑफ देयर ब्रेड एंड बटर, ऑफ देयर चिल्ड्रन, ऑफ देयर हाउस होल्ड वरीज एंड द लाइक। वो लोग जो हैं वो अपनी अपनी दाल रोटी, अपने बच्चों की, अपनी घरेलू समस्याओं की और इस तरह की और बातों की चिंता करते हैं। बट अ टाइम कम्स व्हेन अ होल पीपल बिकम इंटरेस्टेड इन अ ग्रेट कोर्स। पर समय आने पर सारा देश जो है वो किसी महान उद्देश्य में रुचि लेना शुरू करता है। देन हिस्ट्री हेल्प्स इवन सिंपल ordinary men and women to become heroes. उस समय इतिहास जो आम साधारण आदमी और औरतें हैं उन्हें भी प्रकर्मी बनने का मौका देता है। Great leaders have something in them which inspires a whole people and makes them to do great deeds. महान नेताओं में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देते हैं और उनसे महान कार्य करवाते हैं।
In India, a great leader, full of love for all who suffer and eager to help them, has inspired our people to great action and noble sacrifice. भारत में भी दुनिया की भारत के जितने भी पीड़ित लोग हैं उनके लिए उनसे उनके प्रति प्रेम से भरा हुआ उनकी सहायता करने के लिए इच्छुक एक महान नेता है या महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं। देखिए ये खुद एक महान नेता थे फिर भी ये महात्मा गांधी जी को महान बता रहे हैं। यही महान लोगों के गुण होते हैं कि वो दूसरों को ज्यादा महान बताते हैं। भारत में ऐसे ही एक महान नेता हैं जो कि सभी को प्रेम करते हैं, जो सभी कष्ट उठा रहे हैं उनके प्रति उनका मन प्रेम से भरा हुआ है और वो उनकी मदद करना चाहते हैं। और उन्होंने हमारे पूरे देश को महान कार्य करने और बड़े बड़े बलिदान करने की प्रेरणा दी है। He has helped to make the starving, the poor and the oppressed free and happy. उन्होंने भूखों को जो गरीब हैं और जो ओप्रेस दबे हुए हैं उनको आजाद करने और खुश बनाने की प्रेरणा दी है। बापूजी इज इन प्रिजन, बापूजी मतलब महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी इस समय जेल में हैं, बट द मैजिक ऑफ हिज मैसेज हैज स्टोलन द हार्ट ऑफ इंडियाज मिलियन, पर उनके जो संदेश हैं, उनके संदेशों का जो जादू है उसने भारत के लाखों लोगों के दिलों में घर कर लिया है। मैन एंड वीमन, आदमी और औरतें, इवन लिटिल चिल्ड्रन कम आउट ऑफ देयर लिटिल शेल्स एंड बिकम इंडिया सोल्जर्स ऑफ फ्रीडम। आदमी और औरतें, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे भी आगे आ गए हैं और वो भारत के स्वतंत्रता सेनानी बन गए हैं। इन इंडिया टूडे वी आर मेकिंग हिस्ट्री, आज हम भारत में इतिहास बना रहे हैं। एंड यू एंड आई आर फॉर्चुनेट टू सी दिस हैपनिंग बिफोर आवर आईज एंड टू टेक सम पार्ट आवरसेल्फ्स इन दिस ग्रेट ड्रामा। और मैं और तुम यानी कि हम दोनों बड़े ही किस्मत वाले हैं कि जो इस इतिहास को हमारे सामने बनता हुआ देख रहे हैं और हम इस बड़े नाटक में एक छोटी सी भूमिका हम भी निभा रहे हैं। What part shall we play in it? हम इसमें कौन सी भूमिका निभाएंगे? If we are to be India's soldiers, we have to respect India's honor, and that honor is a sacred trust. It is no easy matter to decide what is right and what is not. जब हमें भारत का सैनिक बनना है तो हमें भारत के सम्मान का भी आदर करना होगा, और वो जो भारत का सम्मान है वो एक बहुत ही पवित्र धरोहर है। यह निर्णय करना कोई आसान बात नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। वन लिटिल टेस्ट आई शैल आस्क यू टू अप्लाई वेन एवर यू आर इन डाउट, नेवर डू एनीथिंग इन सीक्रेट और एनीथिंग दैट यू वुड विश टू हाइड। जब भी तुम कभी किसी सोच में पड़ जाओ तो मैं तुम्हें एक छोटा सा तरीका बताता हूं जिसे तुम अजमा लेना। कभी भी कोई काम छुप कर मत करना, यह वह वो काम कभी मत करना जिसे तुम्हें छुपाना पड़े। For the desire to hide anything means that you are afraid, and fear is a bad thing and unworthy of you. कभी भी किसी चीज को छुपाने की इच्छा होती है तो इसका मतलब होता है कि आप डर गए हो, और डर बुरी चीज होती है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। Be brave and all the rest follows. बहादुर बनो और बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा। यू नो दैट इन आवर ग्रेट फ्रीडम मूवमेंट अंडर बापू जी लीडरशिप देयर इज नो रूम फॉर सीक्रेसी और हाइडिंग। तुम जानती हो कि बापू जी के अगुवाई में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है उसमें भी कोई छुपने छुपाने का या कोई सीक्रेट चीज का कोई भी जगह नहीं है। We have nothing to hide.
हमारे पास छुपाने लायक कोई बात है ही नहीं. वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ व्हाट वी डू और व्हाट वी से. हम जो कुछ भी कहते हैं या करते हैं हम उससे डरते नहीं हैं. वी वर्क इन द सन, वी वर्क इन द सन एंड इन द लाइट. हम सबके सामने खुले में सूरज और उसके प्रकाश में काम करते हैं. इवन सो इन आवर प्राइवेट लाइफ लेट अस मेक फ्रेंड्स विद द सन एंड वर्क इन द लाइट एंड डू नथिंग सीक्रेटली. यहां तक कि ऐसे ही हमें अपने जो प्राइवेट जीवन है, जो हमारी निजी लाइफ है, उसके अंदर हमें ऐसे ही खुले दिल से सबके सामने काम करना चाहिए, सूरज की धूप में काम करना चाहिए और कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए. एंड इफ यू डू सो माय डियर यू विल ग्रो अप अ चाइल्ड ऑफ द लाइट अनअफ्रेड एंड सीरीन एंड अनरफल्ड वट एवर मे हैपन. तो इस तरह से अगर तुम ऐसा करोगी तो बड़े होकर तुम रोशनी की बच्ची बन जाओगी जो किसी से किसी भी हालत में नहीं डरेगी और हमेशा शांत होकर बिना डरे हुए बिना टेंशन के काम करेगी. अनरफल्ड का मतलब होता है अनएगिटेटेड, मतलब बिल्कुल शांत. आई हैव रिटन अ वेरी लॉन्ग लेटर टू यू. मैंने तुम्हें तुम्हारे को एक बहुत बड़ा पत्र लिख दिया है. एंड देयर इज सो मच आई वुड लाइक टू टेल यू. और फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा. हाउ कैन अ लेटर कंटेन इट. एक लेटर में ये चीज कैसे आ सकती है. गुड बाय लिटिल वन एंड मेक यू ग्रो अप इन अ ब्रेव सोल्जर इन इंडिया सर्विस. अलविदा प्यारी बच्ची, भगवान करे तुम बड़ी होकर भारत माँ की सेवा में एक वीर सैनिक बनो. विद ऑल माई लव एंड गुड विशेष. प्रेम, मेरे प्रेम और शुभकामनाओं सहित योर लविंग फादर, तुम्हारा प्रिय पिता जवाहरलाल नेहरू. तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं. तो बच्चों, इससे पहले जो हमने चैप्टर है 7, उनके हमने चैप्टर भी रीड कर दिए, उनके क्वेश्चन आंसर भी बना दिए हैं. तो आप वो वीडियो जरूर देखिए ताकि आप एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकें. थैंक यू, हैव ए गुड डे.